लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब अब आपकी आंखों में दिखने लगा है जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए हैं। आपके दिल में बहुत प्यार है इस इंसान के लिए, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये सब फीलिंग्स फर्स्ट टाइम आ रही है, हैप्पीनेस आई है, और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, लकी हो, जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है तब से खुशियाँ जैसे कि आपके आसपास आ गई हैं। सो आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या है, क्या इतनी ही फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए भी है, क्या है आपके रिश्ते में आगे। सो चलिए देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं आज ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रितु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 में मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, जल्दी जल्दी लिंक को क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। फ्रॉड से बचे रहिएगा क्योंकि हम किसी को भी पर्सनल पे मैसेजेस नहीं करते हैं, जब तक आप हमें कांटेक्ट नहीं करेंगे हम आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं। ओके सो चलिए दो डेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप जो जानना चाहते हैं उनके दिल की फीलिंग्स तो आज हम इन कार्ड्स के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। दूसरे डेक से हम उनके दिल के राज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इनके दिल में आपके लिए। और अगर आप लोग अपने लिए ये ब्यूटीफुल से क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए और अपने लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवा लीजिए। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर कीजिए, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो। ओके सो पहुँचाइए खुशियाँ दूसरों तक। ओके जी, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या इनके पर्सन इनको कहना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो रीडिंग और एनर्जी स्किप हो जाएगी। फर्स्ट कार्ड, आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे दैट आई लव यू। ओ माई गॉड, सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आपसे प्यार करते हैं उस तरीके से उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, राइट? सो आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स आ चुकी हैं पहले ही कार्ड में। फाइन, दो कार्ड आ गया है, द डिस्टेंस बिटवीन आर स्किल्स मी, आई एम ऑन माई वे टू यू। ओके सो जो डिस्टेंस है आप दोनों में, जो दूरियां हैं आप दोनों में, चाहे मजबूरियां हो, चाहे जो भी रीज़न हो, आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, राइट? सो आपके पास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे और अपने दिल की बात आपसे ज़रूर कहेंगे। नेक्स्ट कार्ड बताता है, यू डिज़र्व सो मच मोर देन आई कैन गिव, राइट? सो उनको पता है कि आप बहुत ही डिज़र्विंग पर्सन हो, ठीक है? आप इतने प्यारे इंसान हो कि आपको वो सब मिलना चाहिए, वो सारी खुशियाँ, वो सब प्यार आपको मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो, राइट? डोंट गिव अप, राइट? सो आपसे ये बोल रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा भले इंतज़ार है, थोड़ी सी दूरियां हैं या मजबूरियां हैं, सो गिव अप नहीं करना है, ऐसा आपसे बोल रहे हैं। यू हैव माई अनकंडीशनल लव, आई हैव नेवर केयर फॉर एनी वन लाइक यू। ओके सो आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं और जितनी केयर आपकी करते हैं शायद उन्होंने कभी किसी और की नहीं की। आई हैव Never loved anyone so much. Okay, so आपको ये बता रहे हैं कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे ही करते हैं और आपको भुला नहीं पा रहे हैं। I dream about you all the time, love you. So आपके ही सपने इनको आते रहते हैं, आपके ही ड्रीम्स इनको दिन रात आते रहते हैं।
प्लीज स्टे सेफ वाइल वी डील विद द सेपरेशन. आई नीड यू टू बी माई मोटिवेशन, राइट. सो जो भी दूरियाँ आप दोनों के बीच में हैं, आपको ये बोल रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि सेफ रहिए और खुद का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए. बहुत जल्द आपको ये अप्रोच करेंगे. इट्स नॉट यू, आई रन फ्रॉम इट्स लव. ओके, सो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं, आपको पेन में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आपसे इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं. तो वो आपसे अभी नहीं भाग रहे हैं, आपसे दूर नहीं है, बल्कि कि जो सिचुएशन है उनकी वजह से वो आपसे दूर है, ताकि आप को दुख ना पहुंचे. यू ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग, राइट. सो आप एक हर रोज उनके चेहरे पर स्माइल लेकर के आते हो. आपकी यादें, आपकी बातें उनको मुस्कुराहट दे देती हैं उनके चेहरे पर. आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर, राइट. जो भी स्ट्रगल आप दोनों के रिलेशनशिप्स में है, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप्स में हैं, कई बार थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें. यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर मेट, राइट. सो आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं जिससे वो मिले हैं. सो आपके लिए बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स, प्यार उनके दिल में आता हुआ दिखाई दे रहा है. सो कनेक्ट रहिएगा, देखते हैं यहाँ पर और क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड्स. ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग है. ओके, ध्यान आपको ये रखना है कि आप अपने पर्सन का इमेज दिमाग में रखिए. नाम 3 बार रिपीट कर लीजिएगा. मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. ओके, जल्दी जल्दी लिख दीजिए और क्लेम कीजिएगा जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है. फर्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है. 10 of Pentacles का कार्ड आया है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है. देखा, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में ना फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों एक रिश्ते में बंधें या फिर आप दोनों साथ रहें. सो कई सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में ऐसी चल रही है जहां पर फैमिली को लेकर के या फैमिली के किसी मेंबर को लेकर के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. आप दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर किसी भी वजह से आपसे दूर हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट में हैं, बिकॉज क्योंकि कोई ना कोई उनका फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से वो अभी स्टक हैं. ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स. ठीक है, उतने या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी होल्ड पर है, या फिर अपने को उन्होंने रोक रखा है, राइट. फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ रहा है, फैमिली कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, राइट. फाइनेंशियली इनकी जो फैमिली है या फिर जो भी फैमिली पर्सन है उनके लिए अभी इनकी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए ये अभी थोड़ा सा वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लवर्स, ओह माय गॉड, देखिए लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है. प्रोमिनेंटली जेमिनी मिथुन राशि निकल के आ चुकी है. वो चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को समझें. ठीक है, आपको, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं. उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्तों के ऊपर एंजल्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं. आप दोनों को एंजल्स ने मिलाया है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी हिम्मत हो, राइट. और एक आपसे होप मिलती है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट सिचुएशंस, डेफिनेटली सिचुएशंस का सामना तो उनको करना ही पड़ रहा है और आपको भी करना पड़ रहा है. तो आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कट ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता बहुत जल्द हील होता हुआ दिखाई दे रहा है. आपसे चाहते हैं थोड़ा सा कोऑपरेशन, थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा टाइम, और डेफिनेटली आप उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो. आपकी ब्यूटी, आपका प्यार उनको अपनी तरफ हमेशा से खींचता रहता है, राइट. कई बार बहुत इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए. ओके, सो 7 of Cups का कार्ड निकल के आया है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ गई है यहाँ पर निकल करके. सो देखिए, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिले. वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ ना आए. बट देखो, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं ना कि हम चाहकर भी बहुत पॉजिटिव होना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सब कुछ लाइफ में चाहते हैं, बट कभी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि थोड़ी सी चीज़ों में रुकावट आ जाती है, राइट. सो आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं कि आपको वो सब मिले जो आप डिज़र्व करते हो. आप
को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। और देखिए डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी स्टक हैं, रुकी हुई हैं, बट आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। उनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी ट्रबल्स, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं, वो चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द सिचुएशन सॉल्व हो जाए, राइट। और आपका जो प्यार है, आपका जो डेडिकेशन है ना, उसको देख करके उनको ऐसा लगता है ना कि आपको कभी भी लाइफ में दुख ना आए, या फिर आप लाइफ में कभी भी रुको ना, स्टॉप ना हो। सो आपकी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, राइट। और देख लेते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष धनुराशि आई है। सो आपकी तरफ देखिए, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार है बहुत ज़्यादा आपके लिए, उनके दिल में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ओके, चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और कोई उनको ऐसा लगता है ना कि आप एक स्पेशल पर्सन हो, आप जितना उनको कंफर्टेबल फील करवाते हो या आप उनसे जितना प्यार करते हो, शायद उतना उनसे कोई नहीं करता या उनको कोई समझता नहीं है। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना आपके पार्टनर के लिए, वो बहुत ज़्यादा डीप है और इंटेंस है। वो चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आती है, आपकी तकलीफ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, आप हर्ट हो जाते हो या फिर आपको परेशानी होती है, या फिर आप इनकी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि आप इतना प्यार करते हो इससे, या आप इतना चाहते हो इसको ना, कि ये आपको हर्ट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता, राइट। सो आपकी तरफ डेफिनेटली आपकी तरफ एक अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका विश्वास जो है इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में, उसको फील कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने अभी काफ़ी चीज़ें अपने दिल में छिपा करके रखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा अभी इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। एम्परर का कार्ड आया है, प्रोमिनेंटली निकल के आ गई है मेष राशि, एरीज राशि। सो कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो भी सिचुएशंस चल रही है उनको लेकर के कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि अब राइट टाइम आने वाला है या आता हुआ दिखाई दे रहा है, जब अब इनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप के लिए इनको स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चुपचाप बैठ करके ये नहीं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और ना ही आपसे करवाना चाहते हैं, राइट। सो अभी हाँ, अभी डेफिनेटली रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों का, सिचुएशंस का सामना करने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, राइट। सो आपकी केयर, आपका प्यार और वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें, इनको बहुत ज़्यादा दिमाग में चलती रहती है। उनको ऐसा लगता है ना कि आपसे ज़्यादा उनको कोई नहीं समझता है, आपसे ज़्यादा उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। एक जैसा कि ना आपके साथ उनको एक हीलिंग मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप उनके आसपास होते हो, और कई बार उनको ऐसा फील होता है कि आप एक स्पेशल पर्सन हो इनके लिए, एक लक फैक्टर हो आप इनके लिए। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, तब से इनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर के हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं आप इनके दिल पर राज तो ज़रूर करते हो, राइट। यहाँ आया है हेरोफेंट का कार्ड, ओके, प्रोमिनेंटली आ गई है टॉरस वृषभ राशि। सो अब लोगों से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली कोई मेंबर है तो फैमिली से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिस्कशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। सो शादी करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल आपको बहुत जल्द देने वाले हैं या देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी सेक्रीफाइसेस आए या कोई भी प्रॉब्लम्स आए। जो भी कंडीशंस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हो आप दोनों इस रिश्ते के अंदर, सो अब ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ मुझे ये रिश्ता दिखाई दे रहा है, राइट। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, उनको ये पता है ना कि उन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया है, बहुत ज़्यादा रुलाया है आपको, तकलीफ़ में रखा है। और देखो, उनको ऐसा लगता है ना कि अभी कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो हाँ, ये ज़रूर है कि उनको भी तकलीफ़ है, आपको भी तकलीफ़ है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे तक अपने मैसेजेस पहुँचा देते हैं, या फिर आप एक दूसरे की तकलीफ़ फील कर पाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, राइट। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा इनके दिल में है, और बहुत ही जल्द आपसे वो सब कहेंगे जिसका इंतज़ार आपको है। अगर किसी भी वजह से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट आया है, राइट, सो अभी सिचुएशंस थोड़ा सा होल्ड पर हैं, ओके। सो धीरे धीरे करके
एक डिवाइन कनेक्शन और डेवलप हो रहा है। ये दूरियों ने आपके पर्सन के दिल में एक कनेक्शन आपके लिए बढ़ा दिया है, प्यार और ज़्यादा बढ़ा दिया है। सो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आप दोनों साथ हो सके, राइट। सो चाहते हैं ग्रोथ इस रिश्ते में, चाहते हैं साथ इस रिश्ते में। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके पार्टनर के। सो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन अगर आप चाहते हैं तो। लवर्स का कार्ड अगर आपको रेजोनेट करता है तो ज़रूर से क्लेम कीजिएगा 111, और ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जा करके आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को देख लीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स बायो में दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए और वीडियोस देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।